हाई एवरीवन, माय नेम इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू ऑल गाइस नो, मैंने दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और आज हमारे कॉलेज में इलेक्शन चल रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। आज शाम को ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलते हैं और बच्चों के पास और उनसे पूछते हैं वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है, और शाम तक जो एक्साइटमेंट अभी हमारे अंदर है वो जब हमारा कैंडिडेट चुन के आ जाएगा उससे भी हम बातें करेंगे, उसके मन में क्या चल रहा है। तो सीधा आपको लेकर चलती हूँ उसके पास जो खड़ा हुआ है अभी, और उनके मन में क्या चल रहा है, बाद में और बच्चों के भी मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेट्स गो। तो गाइस, ऑलमोस्ट सुबह हम 10 बजे कॉलेज में आ गए थे और हम सबने वोट दे दिया था, और अभी जो है थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद यहाँ पर रिजल्ट हम सब लोग के सामने होगा। और हमारे साथ का जो फ्रेंड है अनुराग, देखते हैं वो जीतता है या नहीं जीतता है। फिलहाल वो काफी ज्यादा नर्वस है। तो हमारे साथ यहाँ पर मास कम्युनिकेशन के एक दो स्टूडेंट है, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। ठीक है सुमित, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? सो गाइस, सबसे पहले हम अपने फ्रेंड से ही पूछ लेते हैं। यश, यश हमें बताएगा। यश इधर आ, यश के बच्चे इधर आ। गजब बेइज्जती है। सो गाइस, हमारे साथ है यहाँ पे यश। नमस्कार, मेरा नाम नरिमल वशिष्ठ है और मैं मास कम्युनिकेशन बैचलर्स थर्ड ईयर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कॉलेज में चुनाव का माहौल बना हुआ है और हमारे यूजी और पीजी से अलग अलग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो जो यूजी से कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और अब आधे घंटे में आप सभी के सामने जो हमारी मैम है ये रिजल्ट आपको दिखाई देगी। तो अभी बहुत माहौल गर्मा गर्मी से चल रहा है, और क्योंकि जैसे कॉलेज के मुद्दे हैं कि जैसे आपका बजट हो गया या वॉशरूम हो गया या अन्य जितने भी बहुत ज़्यादा सबके रीजंस रहते हैं, तो अभी देखना ही होता है कि कौन एसआर किस हद तक अपनी लिमिट्स को पार करके वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ताकि अगली बार हम उसको जो है वोट कर सके और उसको स्टूडेंट काउंसिल में कुछ ना कुछ पद दे पाए। हेलो, आपका नाम? सौरभपुरी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अनुराग। अनुराग भाई, सो गाइस सौरभपुरी का भी वोट अनुराग भाई के लिए है। हमारे साथ यहाँ पर और स्टूडेंट है, ये धराना। अच्छा, हमको सिखा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, अक्षय। हाय अक्षय। समझे समझे, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जिसने झूठ बोला सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, कोई भी पर हमारा भाई अनुराग जीतेगा चाहे। हमारे साथ यहाँ पर है हमारे एसआर। तो सबसे पहले हम आपका नाम? विराट। विराट जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज कॉलेज में चुनाव चल रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है इलेक्शन का, काफी लोगों से बातचीत चल रही है और काफी अच्छा लग रहा है देख के माहौल इलेक्शन का। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? जीत तो अनुराग भाई की है, बस पक्की पक्की जीत। यहाँ देखो भाई क्या कर रहे हो, यहाँ देखो भाई क्या कर रहे हो। अनुराग, अभी जैसे कि आप ऐसा एसआर खड़े हुए हैं, आप क्या कुछ करना चाहते हैं इस कॉलेज के लिए, और क्या अभी आपके मन में चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे कॉलेज में काफी सारे मुद्दे हैं, मैं हॉस्टलर हूँ, हॉस्टल में भी काफी सारे मुद्दे हैं। हॉस्टल में यहाँ पे हमारे पास टॉयलेट का नहीं, टॉयलेट्स की कंडीशन काफी खराब है, बाथरूम्स की कंडीशन काफी खराब है, फिल्टर्स यहाँ पर है नहीं। डे स्कॉलर जो आते हैं वहाँ पर, हमारे क्लास के पास जो फिल्टर है वो खराब है, वो भी ढंग से काम नहीं करता, हमारा प्रोजेक्टर भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके साथ ही काफी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है जिनका हम आपके मुद्दे लेके जाएंगे प्रेसिडेंट तक, और आपकी आवाज बनेगी। छात्रों का सपोर्ट हमारी प्राइमरी 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 प्रायोरिटी है, और जमीनी स्तर पे काम करना हमारा लक्ष्य है। सो गाइस, जैसे कि अभी आपने हमारे एसआर के शब्द सुने, वो क्या कहना चाहते हैं? वो स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे, साथ में जितने भी छात्र हैं उन सब के अंदर हर्ष और उल्लास की भावना मुझे दिख रही है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे बीच अच्छा नेता जो है, अच्छा स्टूडेंट हमारे बीच में चुना जाए, और अभी देखते हैं कौन जीतता है। बाकी सारे कॉम्पिटिटर तो सारे ही बढ़िया हैं, और जो अभी उन्होंने मुद्दे रखे कि हमारे प्रोजेक्टर काम नहीं करते हैं, कैंटीन को और उन्हें अच्छा बनाना है, देखते हैं जीतने के बाद क्या होगा। बट फिलहाल अभी उन्होंने ये हमसे दावा करा है और प्रॉमिस करा है, जीतने के बाद देखते हैं ये प्रॉमिसेस कितना वो फिल करते हैं। फिलहाल तो मुझे रिजल्ट का वेट है, आधे घंटे बाद हम सब लोग के सामने रिजल्ट होगा। और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अनुराग। जय श्री राम। यस श्री राम।
देखो लहर तो अभी अनुराग भाई की चल रही है, अभी लहर चल रही है भाई। ये है गाइस रूही और ये है अनुराग। अनुराग भाई की जीत का वेट कर रहे हैं। बस सबका ही है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि इन सब उपली है। सो गाइज फाइनली वेट इज ओवर। बस अभी वो तीनों कैंडिडेट गए हैं और रिजल्ट अनाउंस होने ही वाला है। अब मेरे मन में ज्यादा धक धक हो रहा है। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मैं भी खड़ी हो जाऊं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं, मुझे सीधे सीएम और पीएम का वो चुनाव लड़ना, छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ती हूँ मैं। अगली विधायक मैं ही हूँ। आई होप कि जिसको मैंने वोट दिया, खैर मैं ये बोलना चाहूंगी जो जीता उसी को मैंने वोट दिया, बट फिर भी देखते हैं कौन आता है बाहर हमारा नेता बन। एक दो तीन चार अनुराग भाई सुपरस्टार। एक दो तीन चार अनुराग भाई की जय जयकार। गोभी का फूल, गोभी का फूल, अनुराग भाई ब्यूटीफुल। पार्टी के लिए, जैसे कि आपको पता है हमारी क्लास का अनुराग भारी मतों से जीत गया है और अब हम उससे ले रहे हैं मोमोज पार्टी। और हम आए हैं दून यूनिवर्सिटी साइड दून मोमोज खाने के लिए और सारी क्लास के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, सबको पार्टी मिल रही है। एंड यहाँ के मोमोज ट्राई करते हैं, बहुत सुना था यहाँ के मोमोज के बारे में, तो ट्राई करते हैं और बहुत ज्यादा खुश है उसके लिए। आई होप कि जो उसने प्रॉमिस करा वीडियो में वो सारी हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो करे, एंड हम यही होप रख सकते हैं अपने नेता से। बाकी अब इंजॉय करते हैं। मोमोज पार्टी होने वाली है और हम आज यहाँ पे मोमोज खाएंगे, साथ में चाउमीन खाएंगे और भाई का जश्न मनाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? ये सब मोदी जी के जश्न, मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी जीत। सो गाइज मोमोज पार्टी करने के बाद मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। एंड अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड की सारी यूनिवर्सिटी में जो है आजकल इलेक्शन चल रहे हैं। आपके कॉलेज में कौन जीता और कितनी खुशी आपको हो रही है, जिसको आपने चाहा वही जीता। देखिए हमारा फ्रेंड जीता, हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ऊपर से हमने पार्टी भी करी एंड काफी अच्छा लग रहा है अब। एंड अब मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जो जो प्रॉमिस उन्होंने करे थे वो सारे प्रॉमिस को फुलफिल करे। एंड यहीं पर करते हैं आज के इस वीडियो को एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार।